धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो मैं एसएम न्यूज़ का कि मुझे पुनः इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले भी मैंने आपको एक महीने पहले इंटरव्यू दिया था इसी विषय पर, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेकर के। अभी जो मुद्दा चल रहा है कि DOPT से भी एक आदेश जारी हो गया है कि भाई रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो पॉलिसी है वो जारी रहेगी। वो मतलब एक्चुअली इसकी कहानी यह है कि जब जनरल सिंह का केस चंडीगढ़ एंड पंजाब हरियाणा कोर्ट में हुआ तो वो अनुसूचित जाति जनजाति का जो पदोन्नति में आरक्षण है उसके खिलाफ गया था। इसको लेकर के जनरल सिंह भी SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में, और ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने 4 SLP फाइल किए हैं अपने पार्टी बन के, और एक बंकर जो हमारे सेंट्रल सेक्रेटरिएट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने, मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर खास करके दिल्ली के अंदर सैकड़ों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं, और कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसमें हस्तक्षेप किया हो और इसमें इम्प्लिट पिटीशन डाला हो। केवल ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने इम्प्लिट पिटीशन डाला था, और महाराष्ट्र के जो बिजली विभाग के लोग हैं उन्होंने पिटीशन डाला था, और बंकर जो हमारे सेंट्रल सेक्रेटरिएट के जो दिल्ली के अंदर हैं उन्होंने पिटीशन डाला था। हमने डॉक्टर KS चौहान को एंगेज किया था इस केस में। डॉक्टर KS चौहान ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से अपने पक्ष को रखा, और साथ साथ हमने 2 और 3 सीनियर एडवोकेट और एंगेज किए थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमको एक रिलीफ मिला कि भाई जो पॉलिसी है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वो जारी रहेगी, क्योंकि बीच में जनरल सिंह बल्सी यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ था उससे जो हमारे सीनियर कैंडिडेट थे जो अनुसूचित जाति जनजाति के, उन लोगों को भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जोन ऑफ कंसिडरेशन में वो आ नहीं पा रहे थे, पोस्ट को भरने के लिए नीचे से लिया नहीं जा रहा था। लेकिन अब जो डिसीजन हुआ है, जो इंटरिम रिलीफ दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये कहते हुए कि जो भी SLP है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दी गई है, और मीन वाइल जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो जारी रहेगा, उसको लेकर के DOPT ने एक आदेश जारी किया है। लेकिन इसमें भी भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, जिन जिन डिपार्टमेंटों में DOPT के आदेश जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से संगठन चल रहे हैं उनको आज एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन खतरे में है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो आज तक 117वां संशोधन बिल जो लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, पूर्ण बहुमत की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इतने अनुयायी बनना चाह रहे हैं, इतने उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर स्मारक बनाए और उनको भव्य बनाने का काम किया, तो पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल है वो भी 117वां संशोधन बिल लोकसभा में पास करवाना चाहिए, तभी इससे निजात पाएंगे। नहीं तो हमारे जितने भी संगठन हैं, आज एक डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है जिसके माध्यम से एक मीटिंग की जा रही है, मैं उन सबसे ये आह्वान करूंगा सब लोग एक होइए, आज आरक्षण खतरे में है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम मान सम्मान तभी दे पाएंगे क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में इतना झगड़ा करने के बाद उन्होंने आरक्षण की मांग नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। आज हमारा रिप्रेजेंटेशन छिन रहा है, देश का जो आरक्षण जो हम लोग इस माध्यम से मिला हुआ था वो धीरे धीरे ख़त्म होने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी नौकरियां थी वो आउटसोर्सिस की जा रही हैं, खास करके जो हमारे जो निचले तबके पे जो सफाई का काम होता था उस काम को टोटली आउटसोर्सिस कर दिया गया है, और उसमें हमारे जो बच्चे काम करते थे जो सरकारी पदों पर होते थे तनख्वाह अच्छी मिलती थी, लेकिन आज बहुत कम पैसे में हमारे बच्चों पर काम कराया जाता है, उनसे शोषण कराया जाता है। तो आज हमारा जो आरक्षण है वो खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, हम सब लोग को एक होने की जरूरत है। अशोक जी, इस समय देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हैं उनमें अभी तक रोस्टर प्रणाली नहीं लागू की गई है। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं कि जहाँ रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गई। अभी आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में है जी, यूनिवर्सिटीज़ में पहले क्या होता था, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट थे जितने भी विभाग थे उनका एक रोस्टर बनता था, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है कि सब्जेक्ट वाइज रोस्टर बनाना शुरू कर दिया है, तो जो आरक्षण का जो रिप्रेजेंटेशन का मतलब था वो बिल्कुल रूप से ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर पूरी यूनिवर्सिटी का या पूरे विभाग सारे विभाग को मिलाकर के रोस्टर बनेगा तो उसमें हमें आरक्षण की सुविधा मिल सकती है, उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन की सुविधा मिल सकती है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रोस्टर बनेगा तो उसमें इतने पद नहीं होते जिसमें कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिल पाए।
तो ये धीरे धीरे मतलब चाहे वो रोस्टर के माध्यम से खत्म करने का प्रयास हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से खत्म करने का प्रयास हो, या सरकार की मंशा न हो 117वां संशोधन बिल पास करने का, जब पूर्ण बहुमत है तो क्यों नहीं हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि लोग अलग अलग ढपली अलग अलग राग बजा रहे हैं, कोई अलग संगठन लेके खड़ा हुआ है, कोई कुछ लेके खड़ा हुआ है, कोई लंदन जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई समाज की बात नहीं कर रहा। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि निस्वार्थ होकर के सब लोग एक होइएगा और ये आरक्षण की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, समाज को बचाने का, मान सम्मान दिलवाने का ये सही मौका है। अशोक जी, अभी जैसे आपने बताया कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब कुछ संगठन जो आप जैसे संगठन हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं या जो एसोसिएशन वाले हैं, उसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई वो संगठन नहीं है, 1 जुलाई को रामलला मैदान के अंदर देश मशीन हटाओ देश बचाओ का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए सर, मेरा अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे ये जानकारी मिली है कि EVM हटाओ और देश बचाओ इस नाम से एक रामलीला ग्राउंड में 1 तारीख को कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं वो शामिल हो रहे हैं, और जो भी हमारे देश के जितने भी लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, जो चाहते हैं कि देश में प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो, वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जहाँ पूरा समाज होगा वहाँ ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी, और वो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी दलगत राजनीति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो समाज की बात करेगा, जो समाज को आगे ले जाने की बात करेगा, जो समाज को सम्मान दिलाने की बात करेगा और जो हमारे अधिकार दिलवाने की बात करेगा, उसके साथ हम पूरे कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन से साथ देंगे उसका।